गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं अपने शेक के साथ। ये बादाम छिल रहे हैं और अभी फटाफट जाके शेक बनाते हैं। आज मैं उठा था 8 बजे, लेट हो गया आज, पता नहीं क्यों आँख लेट खुली। आज लेट भी सोए हैं और रीज़न ये था, 2 दिन से थोड़े थकान सी हो गई थी। और अभी क्या, अब क्या शेक वेक बनाऊँगा पीऊँगा। वैसे तो मैंने एक्सरसाइज कर लिया, एक्सरसाइज क्या मैंने योगा वगैरह कर लिया अपना। कल संडे को जो है वेट ट्रेनिंग हो जाएगी मेरी। अब फटाफट आ जाओ लेके। ढक्कन लगाते टाइम ये चीज ध्यान रखें क्योंकि इसके अंदर एक होल होता है। दिखाओ जरा के, वो जैसे होल दिखाई दे रहा है ना आपको, इसके ऊपर ऐसे हाथ नहीं रखना कभी भी, क्योंकि एयर बन जाती है इसके अंदर, फिर क्या होगा प्रॉब्लम। तो गाइस ये मेरा शेक बन गया। और तो मैंने कोई एडिशनल शुगर नहीं डाली इसके अंदर, जो बनाना है वही है। तो जो नेचुरल शुगर जो होती है, जैसे बनाना की अपनी एक स्वीटनेस है, खजूर की अपनी एक स्वीटनेस है, तो उसके वैसे डाल लेता हूँ। हाँ कभी कभार मैं रॉ अफ्ज़ा डाल लेता हूँ इसके अंदर, अच्छा लगता है। बोन बीटा है, रॉ अफ्ज़ा, बोन बीटा तो ख़त्म हो रखा है तो मैं रॉ अफ्ज़ा डाल लेता हूँ कभी कभी। चलिए मैं इसको फिनिश करता हूँ फटाफट। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेक्स मैं बनाता रहता हूँ और पीता रहता हूँ आफ्टर एक्सरसाइज। दो दो। अच्छा अंगूर धुलवा रहा है। ये क्या खिलाते हैं आपको? मोमोज खा लो। दो दिया। आ जा, आओ, कम ऑन। क्या देख रहा है तू? व्हाट आर यू ईटिंग? ग्रेप्स। तो गाइस मैं आ चुका हूँ स्कूल से और आज है हनुमान जयंती। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि हनुमान जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। और गाइस पूरे में रैली निकल रही थी, जाम लग रहा था, पूरा घुमा के लाना पड़ा मेरे को गाड़ी यार। और हेलमेट में जब सर रहा था तो समझ लो ऐसा लगता भट्टी के अंदर आपने अपना सर दे दिया। कुछ स्पेशल बन रहा है मेरे लिए? इंतजार तो कर रही थी एक्चुअली। क्या है ना, मेरे पास फोन नहीं था सर, बताऊँ तो मैं कुछ चीज़ें शूट नहीं कर पाई यार। हमारे फोन खराब हो गए ना, वो जो मेरा MI जिस पे लिखा हुआ आ रहा था, MI का जो फोन था वो यार वो ठीक ही नहीं हो रहा, वो सॉफ्टवेयर का दिक्कत हो गया। दानिश को भी दिखाया, दानिश भी 2-3 जगह ले गया, और इतने तगड़े तगड़े कारीगर हैं उनके समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम होगी। तो अब मैंने दानिश को बोला कि दानिश कोई ऐसा फ़ोन तू सर्च कर जो कि हम यूज़ कर पाएँ ऑफिस पर्पज़ से। तो कह रहा है ठीक है सर मैं सर्च करता हूँ, क्योंकि वो बेकार ही हो गया, काफ़ी टाइम हो गया उसको, बहुत यूज़ कर लिया मैंने। 3 साल अप्रॉक्स हो गए उसको, आराम से 3 साल हो गए। भर के यूज़ कराया मैंने उसको, भर भर के वीडियोज़ मैंने बनाई हैं उससे, एडिटिंग मैंने उससे करी है, वसूल लिए मैंने। आई थिंक मैंने वो 15,000 का दिया था, 15,000 रुपये वसूल डाले यार उससे। अभी यहाँ मैं बैठता हूँ थोड़ी देर और आज आप दिखा रहे थोड़ा सा तैयारी करूँगी। अभी आलू वहीं रखते हैं क्योंकि ये हो रहा है कि जो मेरा पार्टनर है उसको जो है कुछ बनाने के लिए नहीं मिल पा रहा, उसका भी कंटेंट रुक रहा है। तो वो मेरा फ़ोन आ गया, तो अब इससे वो कुछ अपनी तरफ से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम्हें चीज़ें दिखाती है। एक्चुअली ना आज मैंने और सुनाए थे तुम्हें, बताती हूँ एक बात, वो मोना को पसंद नहीं थे, कह रही चल नहीं उसको से कभी खाए नहीं है ना तो उसे पसंद नहीं, तो कहती चल ठीक है ट्राई कर लेती हूँ बना ली। मैंने बनाए कह रही अच्छे तो आलू छीन लगी यार। चलो मैं अपने आटा मान लेती हूँ, कह रहे हैं भूख लगे तुम्हें भी लगे ना वो आलू पराठे बॉईल पचातो। मैं बना रही आलू पराठा रेसिपी, मुझे लग रही है भूख। एक प्रॉब्लम और हुई, क्या हो गया? हनुमान जयंती निकल रही थी, पूरे में रश हो रखा था वहाँ पे पूरी तरह से, और दूसरा क्या था अफ्तारी का टाइम भी हो रहा था भाई साहब, भीड़ बेइंतहा भीड़ जिसे बोलते हैं ना, बहुत भीड़ हो चुकी है यार, बेहतरीन एरिया में ना यार बड़ा ऐसा हो गया, बस क्या करूँ। डर सा भी लगता है कि कोई आग लग जाए होने के चांसेस भी होते हैं। दिक्कत ये भी है छोटे बच्चे भी टहलते रहते, डर उनको देख के और डर लगता है, पता नहीं क्यों टहल रहे हैं। यार मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि सेफली चलाऊं,
इसमें सिर्फ अभी हरा धनिया, हरी मिर्च और ये हींग पड़ा हुआ है और साथ में मम्मी ब्लैक सॉल्ट डाला है क्या? ये वो है अमचूर। अमचूर डाला है, थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा हो जाता है, यानी कि ये वाली। वैसे बहुत से लोग इस पिट्टी को, जो इसका पेस्ट बनता है, पिट्टी बनती है, बहुत से लोग ये नहीं डालते हैं, पर हम यहाँ पे डालते हैं। बारीक करके वाले ज़्यादा अच्छा वाला मुँह में आता है। इधर हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। डो और डो को ना जब पराठे बनाते हैं ना, डो को मम्मी बता रही। ओए हो, येलो 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 चश्मा, क्या बात है! कौन लेगा आपका ये चश्मा? पापा। पापा लाया, कितने का? वाओ, बहुत सुंदर लग रहा है ये तो। थोड़ा सा ऐसे कर दो, डंडी भी तोड़ दी तूने। डंडी तोड़ दी मैंने, बड़े बड़े खत्म कर दूंगा। चाचू की दवाई, चाचू की दवाई नहीं बाबू, दवाई नहीं खाते, गंदी बात होती है। देखो देखो बच्ची, तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। येलो कलर का क्यों लगा के है? एक डंडी नहीं है, देखो इसकी गुंडिया की एक डंडी नहीं। अबे तोड़ भी दिया तूने, अरे यार तू भी तोड़ भी दिया तूने। बाबू जाओ जाओ जाओ, बाद बाबू गुंडिया को देख लो, चश्मा पहन के घूम रहा है। Everything is ready, तो मेरे लिए पराठे ले आए जाएं। पराठे नहीं रेडी है, डोर पिट्ठी रेडी है, बनाने जा रही हूँ। देखने कितनी जल्दी है। बाबू देख, बिल्ली का बच्चा देख। जल्दी इधर, जल्दी मेरे पास। वाओ कितना सुंदर लग रहा है। इस डो में, इस पिट्ठी में हमने एक और चीज ऐड करी है, जो की हनी चॉप करके। अब ये भी रेडी हो गया है, देखो ये इतना सॉफ्ट करा है। कितना होना चाहिए, थोड़ा सा और वो हो जाएगा सॉफ्ट। मेरी है स्पीड कम, अब मम्मी बनाने खड़ी हो गई, सबको लगी है भूख। मम्मी बनाएंगे अब पराठे, मैं बनाऊंगी। 8 बज जाएंगे, 8:30। ठीक है आप बना लो, मैं रेडी करती हूँ बाकी चीजें। देखो गाइस गुंडिया क्या देख रहा है, भूख लग रही है इसको और यहाँ पर आराम से लेटा है, एसी चला रखा है और ये देख रहा है, देखो खाने की चीजें, खाने का सब कुछ। खत्म तक दूंगा गुंडिया, खाने के इंतजार में गुंडिया। कुकम्बर अभी आ रहा है मेरा पराठा। एक चीज की कमी रह गई यार इसमें, बताओ। बटर, बटर नहीं है ना, बटर का टेस्ट ही अलग आता है। वो तो है ही, आप क्या कर सकते। सडनली प्लान बना ना पराठे का, वो पराठे बुआ को दे दो बेटा, मैं आपके लिए ला रही हूँ, मेरे साथ खाता है, लग जाएगा आपके लिए, ला ली हूँ मैं। ठीक है छोटा सा ना लिया, ठीक है। सुशील मोनू से प्लेट छीन रहा, मैंने कहा मैं तेरे लिए छोटा सा लेके आ रही हूँ, मैंने जो बनाया ना हाँ तोड़ के दे देते, वो ठंडा भी है, ये गर्म उसको लगेगा। गुंडिया क्या कर रहा है तू? गुंडिया इसे देखो, इतने चार पराठे खा के भी और दही पी रहा है। गुंडिया बुआ क्या खाएंगी? बुआ क्या खाएंगी? अपनी वाली दही खाओ। तो गाइस मैंने तो खा लिया पराठे
और मैं आ चुका हूँ फिट, और अब जाऊंगा ऊपर घूमने के लिए। कैसे पी के दिखाइए दही, दही पी के दिखा। आवाज क्यों आती है? गुंडिया दही पी रहा है। ये देखो दही इसने भर ली। भरो दही भरो, क्या बात है, भर लो। देख लो इस बच्चे को, देखो मुंह फेस दिखे, फेस गुंडे इधर देखिए, देख सारे खत्म कर देगा क्या? गुंडिया खत्म कर दूंगा, खत्म कर देना। ओ पोती नग जाएगी। चेहरा देखो इसका कैसा हो रहा है दही पी पी के। तो गाइस देखो आइसक्रीम चल रही है यहाँ पर। अभी अचानक आइसक्रीम कहाँ से आई, जो शॉप है हमारी बुआ की एच के ज्वेलर्स की। तो आज जैसे हनुमान जयंती थी, तो क्या होता है ना वहाँ पर वो बांटते हैं आइसक्रीम, वहाँ से पूरी रैली निकलती है। जय भी गया था वहाँ पर, बहुत बड़ी रैली निकलती है वहाँ पर। तो हर कोई जो भी होता है ना शॉप वाले, कुछ ना कुछ बांटता रहता है, कोई पानी की बोतल, कोई फ्रूटी जूस। तो ऐसे ही हमारी बुआ जी हैं, इनका नियम है यानी कि हर हनुमान जयंती से बांटते। फूफा जी थे हमारे जो, वो भी बांटते थे, तो उन्हीं का ही जो है इन्होंने ले लिया, अब ये लोग बांटते हैं उसको, और बड़ा मज़ा आता है वहाँ पर। तो बस बुआ जी ने भिजवाई थी आइसक्रीम, अब मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ। तो गाइस मैं आ गया हूँ ऊपर से घूम कर, थक गया हूँ मैं पूरी तरह से। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। और पगलैटी फ़ोन में लगी हुई है, पर पंखा चलता है, पीछे बेबी सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा पराठे। मम्मी ऐसे बोलते हैं ना। इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।